हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी और कुछ रिप्रोडक्टिव टेक्निक एसेसरीज रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो इनफर्टिलिटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि जब मेल और फीमेल कपल है और वो अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी संतति उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलोगे आप बंधता। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए कुछ टेक्निक जेनेटिक्स में यूज की जाती हैं, जिन्हें बोलते हो आप सहायक जननिक तकनीक। ठीक है, तो दो तरह से आप यूज कर सकते हो, या तो आउटर लेबोरेटरी में यूज कर सकते हो, या फिर आप बाहर से कुछ हेल्प दे के इन ह्यूमन यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लेबोरेटरी यूज करो तो उसे बोलोगे इन विट्रो, और इन वेवो यानी कि ह्यूमन के अंदर। अब देखिए, दोनों में थोड़ा सा नाम में अंतर है जो आपको ऑलवेज कंफ्यूज कर देगा, एनसीईआरटी में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है। इन विट्रो होता है जिससे बोलते हो आप टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि इसमें मेल पार्ट यानी कि स्पर्म और आपके फीमेल पार्ट यानी कि एक्सेल दोनों कहाँ पे मिक्स करेंगे, जायगोट कहाँ पे बनाएंगे, दोनों मिक्स करके क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में, यानी कि लेबोरेटरी में पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद में जायगोट को आप ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन इसमें या तो आप मेल पार्ट को इंजेक्ट करवा सकते हो, फीमेल पार्ट को इंजेक्ट करवा सकते हो, लेकिन जायगोट सेल ह्यूमन के अंदर ही बनेगा। ठीक है, जायगोट बाहर नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसमें जो भ्रूण का परिवर्तन होता है वो दोनों में गर्भाशय में ही होता है, लेकिन डिफरेंट है जायगोट कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अगर जायगोट शरीर के अंदर बन रहा है तो उसे इन विवो कहते हैं, अगर जायगोट आपके सेल से शरीर से बाहर बन रहा है प्रयोगशाला में, तो इसे बोलोगे आप टेस्ट ट्यूब या फिर इन विट्रो। ठीक है, अब इन विट्रो में दो टेक्निक आती हैं आपके, ZIFT जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यहाँ पर आती है IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। अब देखिए, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब में आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग सेल और स्पर्म दोनों जायगोट बनाएंगे संयुक्त होके, उसके बाद में ये आपके कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जाएगा, यूटेरस में। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल्स वाली स्टेज में आती है मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला। ठीक है, तो अगर जायगोट आपका अगर 8 ब्लास्टोमेर सेल्स तक का है, तो उसे बोलोगे आप जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। जैसे आपके एग सेल और स्पर्म सेल इंजेक्ट होंगी उस फेलोपियन ट्यूब में, आपके फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में यूटरस तक पहुंचते पहुंचते ये कई सेल्स में आपके चेंज आ जाए, 8 सेल बनेंगी, कभी 16 बनेंगी, कब 32 बनेंगी। ठीक है, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला बोलते हैं जैसे। अब अगर आप 8 ब्लास्टोमेर तक का है जायगोट, तो उसे आप फेलोपियन में ट्रांसफ़र करोगे, अगर 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा सेल्स बन रही हैं तो उसे आप यूटेरस में ही ट्रांसफ़र कर पाओगे। ठीक है, तो इंटरा यूटेराइन ट्रांसफ़र इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमेर वाला, और अगर 8 ब्लास्टोमेर सेल्स हैं तो उसे फेलोपियन में, तो इसे बोलोगे जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, शरीर के अंदर की बात करें यानी कि इन विवो। ठीक है, ये तीन तरह से आप देख सकते हो, एक गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, एक ICSI और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें मेल पर्सन होता है अपना स्पर्म, या तो उसमें एजो स्पर्म होता है यानी कि स्पर्म काउंटिंग कम होती है, या फिर स्पर्म की गतिशीलता कम होती है, उनकी वजह से जो फेलोपियन ट्यूब तक वो स्पर्म पहुंच नहीं पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप उसे फर्टिलाइजेशन अवेलेबल करवाने के लिए आप उसे इंजेक्ट करोगे, ऐसे बोलोगे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, दूसरा होता है अंत्यकोश के शुक्राणु निक्षेपण, इंटर सेलुलर अंत यानी इंट्रा सेलुलर स्पर्म इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, ये आपकी एग सेल है, एग सेल में डायरेक्ट ही स्पर्म सेल का इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, इसे ICSI बोलेंगे। ये मोस्ट वन है GIFT यानी कि गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर मोस्ट वन। इसमें क्या होता है, वो फीमेल जिनमें आपके अंडाणु नहीं बन पा रहा है, यानी कि आपके ओवा नहीं बन पा रहा है, लेकिन उनमें
रिप्रोडक्शन यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए हर कंडीशन है, उनमें एनवायरनमेंट है कि उनमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है लेकिन उनमें एक्सेल नहीं बन पा रहे, तो इसके लिए आप उनमें वहाँ पे जो अंडाउड पार्ट है ओवम पार्ट है उसे इंजेक्ट करवाओगे, ठीक है। तो किस में? फेलोपियन में, ताकि आपके रिप्रोडक्शन हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इसे बोलोगे आप गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पे जायगोट सेल के बाहर बन रहा है या जायगोट ह्यूमन के अंदर ही बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंट IUCD और पिल्स में देखते हैं। गर्भनिरोधक गोलियां और इसे बोलते हो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रेसेप डिवाइस। तो इन दोनों में भी कन्फ्यूजन दे रखा है थोड़ा बहुत NCERT में, तो उसे भी क्लियर करते हैं। देखिए ये ओवुलेशन को रोकती है यानी कि ये अंडोसर्ग को रोकती हैं, ठीक है। ये स्पर्म जो जनरेट हो रहा है या फिर ओवम जो जनरेट हो रहा है उसे ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकती हैं, जबकि IUCD ऐसा नहीं करती हैं, उनमें यथावत होता रहता है। ये क्या करती हैं, ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को बढ़ाती हैं स्पर्म में। फेगोसाइटोसिस यानी कि उसकी जो गतिशीलता है उसे बढ़ाती हैं, उसकी गतिशीलता बढ़ जाएगी तो वो एग सेल से पहुँचने से पहले ही उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पिल्स में केवल जो पिल्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन युक्त होती हैं उनमें ही ऐसी क्षमता होती है कि ये वो फेगोसाइटोसिस करवा पाती हैं, बाकी सारी पिल्स ऐसा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। बाकी इन विट्रो और इन विवो में भी आपको मेन कंसेप्ट ध्यान रखना है क्या क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा होता है, बाहर कौन सा बनता है, कौन सा अंदर बनता है, ठीक है। ZIFT और GIFT मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो थैंक्स गाइस।